फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल सांभर की रेसिपी, जिसे घर पे बनाना बहुत ही आसान है और ये कुछ ही टिप्स के साथ घर पे बिल्कुल बाजार जैसा बनके तैयार हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सांभर की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल फॉर यू क्रिएशंस। सांभर बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं कुछ सब्जी, जिसमें मैंने लिए 8 से 10 बीन्स, एक आलू, आधा कप मटर, एक गाजर और थोड़ा सा कद्दू, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। यहाँ मैंने लिया है 1/4 कप अरहर की दाल, जिसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो करके छोड़ दिया था। मैंने इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें हम सभी सब्जियों को ऐड करेंगे और साथ में भीगी हुई दाल को भी ऐड करेंगे। सब्जियाँ आप अपनी पसंद की ऐड कर सकते हैं, जो सब्जी आप नहीं खाते हैं आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास कुछ शिमला मिर्च भी थी, जिसको मैंने कट कर लिया है। यहाँ मैंने लिया है 1 बड़ा शिमला मिर्च, जिसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, 1 कप इसमें नॉर्मल वाटर ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन के अपडेट सबसे पहले मिल सके। प्रेशर कुकर को बंद करने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 सीटी आने तक सब्जियों को कुक कर लेंगे। सांभर को खट्टा करने के लिए इमली का पानी तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने ली थी 50 ग्राम इमली, जिसको मैंने भिगो करके 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। इमली अच्छे से फूल गई है। अब हम इसको एक छन्नी में निकाल लेंगे और दबा दबा करके इसका सारा पानी निकाल लेंगे। इसमें एक्स्ट्रा पानी भी हम ऐड करेंगे ज़रूरत के हिसाब से और सारा इमली का पानी निकाल लेंगे। बाजार में बिल्कुल इसी तरीके से सांभर बना करके तैयार किया जाता है। अगर आप इमली का सांभर खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर साइट्रिक एसिड या आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। यहाँ मैंने 3 सीटी ली थी सब्जियों को बॉईल करने के लिए। प्रेशर कुकर का प्रेशर निकल गया है। ये देखिए सब्जियाँ कितने अच्छे से बॉईल हो गई हैं। अब हम इनको एक पोटैटो मैशर या कलची की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आप सभी लोगों के साथ इंस्टेंट डोसा कैसे बनाया जाता है और रवा इडली कैसे बनाई जाती है और साथ ही मैंने ट्रेडिशनल स्टाइल में डोसा कैसे तैयार किया जाता है, इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करी है। इन सभी की रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी, आप वहाँ जा करके इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। सब्जियाँ अच्छे से मैश हो गई है। अब हमने जो इमली का पानी तैयार किया था वो हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही इसमें हम 2 कप पानी और ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरीके से ये सांभर की रेसिपी तैयार करेंगे तो ये बिल्कुल बाजार जैसी बनके तैयार होंगी। बच्चे हों या बड़े, सभी को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। सब आपसे बार बार यही कहेंगे कि हमें ऐसा ही सांभर बना करके खिलाएं। सांभर अभी भी काफ़ी गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें 4 कप पानी और ऐड करूंगी। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको सांभर कितना गाढ़ा रखना है या कितना पतला, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सांभर को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमें बिल्कुल इसी तरीके का रनी सा सांभर चाहिए। अब हम इसको गैस पर रखेंगे और इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। सांभर में उबाल आ गया है, इसको मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हमें सांभर को 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम सांभर के लिए एक मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए हम एक पैन लेंगे। पैन में हम 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल के गर्म हो जाने के बाद इसमें 1/2 छोटा चम्मच हींग ऐड करेंगे और 1 छोटा चम्मच राई के दाने ऐड करेंगे। राई को अच्छे से तड़कने देंगे। जब राई अच्छे से तड़क जाए तब इसमें हम 20 से 25 करी पत्ते ऐड करेंगे, छोटे छोटे कट करके। करी पत्ते का फ्लेवर सांभर में बहुत ही टेस्टी लगता है। सभी चीज़ों को 1 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ मैंने लिया था 1 प्याज, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था। इसमें हम कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो जाए।
प्याज का कलर चेंज हो गया है। यहाँ मैंने लिए हैं 2 बारीक कटे हुए टमाटर, जिसको हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। मिर्ची पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक यहाँ हमें देख करके ऐड करना है, क्योंकि हमने सब्जियों में भी ऐड किया था। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक होने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच सांभर मसाला और इसको मिक्स करेंगे। जिससे कि मसाला हमारा जले नहीं, हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और मसाले को मिक्स करके कुक करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे मसाले को 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे, या जब तक कि मसाला ऑयल ना छोड़ दे। मसाला अच्छे से पक गया है, इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। ये देखिए, अब हम मसाले को सांभर में ऐड करेंगे। मसाले को मिक्स करने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें सांभर को रजाना है। सांभर हमारा जितना ज़्यादा रजेगा, उसमें उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। 20 मिनट बाद सांभर हमारा अच्छे से रज गया है। ये देखिए, सांभर हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। इसमें खुशबू भी बहुत ही टेस्टी आ रही है। अब हम यहाँ गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और सांभर को सर्व करेंगे डोसे के साथ, इडली के साथ, बड़े के साथ, या जिस भी चीज़ के साथ आप सांभर खाना पसंद करते हैं, आप उसके साथ इसको सर्व कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।